सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक टू अवर शो। अस्सलाम वालेकुम, जितने दोस्त मौजूद हैं पाकिस्तान दुनिया भर में, सभी को सलाम, सभी को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक हमने पराठे कुछ तैयार किए और आज जिस महफिल में जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा दोस्तों ने बात की, फरमाइश की, रिक्वेस्ट भी की पिज्ज़ा की। तो पिज्ज़ा की एक अमेजिंग रेसिपी, उससे पहले ये कहेंगे दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में जितने लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं या यहाँ मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम परेशानियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम परेशानियाँ मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना हम सोचते हैं या जितना हम उन्हें डिस्कस करते हैं। बहुत सी चीज़ें अच्छाइयाँ भी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें हम डिस्कस नहीं करते, बल्कि परेशानियों को या प्रॉब्लम को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से इसमें इजाफा ही होता चला जाता है। इसी बात के साथ खुशामदीद कहते हैं। पराठे क्रिस्पी खस्ता मज़े के, खुशबू फैल चुकी है हमारे स्टूडियो में, लेकिन आज इन पराठों की हमने ज़बरदस्त पिज्ज़ा करने तैयार, पिज्ज़ा पराठे बना रहे हैं आज। वी होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और सवाल पूछा जा रहा है क्या है, तो सवाल इतना सा है कि वो कौन सा पीर है जिसके मुरीद नहीं होते, जवाब देंगे कॉल करके। पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है और पिज्जा पराठे का अज्जा देख लीजिए आप। दोस्तों, पिज्जा पराठे के लिए चिकन मौजूद है बोनलेस, गरम मसाला पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च, सफेद मिर्च, नमक, सूखी मेथी ऐड करने जा रहे हैं, अदरक, लहसुन, दही और चीज हमें दो तरह की रिक्वायर्ड होगी, चेडर एंड मोजरेला चीज भी रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए प्रोसेस का आगाज करते हैं और चिकन बोनलेस जो मौजूद है इसे हम काट लेते हैं। ठीक है जी, इसके दो पीस करने हैं, उसके बाद इसे आपने काट लेना है। बोनलेस चिकन सिलसिला जारी है और पिज्जा पराठे करें तैयार। चिकन के बीच से दो पीस किए, बल्कि आप चाहें तो जरा से और मजीद भी खोल सकते हैं, और नाइफ हो या कोई भी कटिंग बोर्ड हो उसमें कोशिश ये क्या करें प्लीज आप, कि इसके सरफेस पे से नीचे जरा टिश्यू आप भी रख लिया करें। ठीक है जी, इसके सरफेस पे टिश्यू रख लें, ये कोई भी कपड़ा रख सकते हैं गीला करके, ताकि ये कटिंग बोर्ड आपका मूव ना हो। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें दोस्तों, और ये दो तरह की चीज मौजूद है, चेडर मोज़रेला, मजे का पिज्जा होगा तैयार। तो इस तरह काट लीजिए, बहुत से लोग काटने के बाद पिज्जा का ये चिकन तैयार कर, लेकिन आज हम काट कर नहीं, एज इट इज आपने करना। इस तरह आपने काट लिया, फिर देख लीजिए एक और चिकन उठाया आपने, बीच से दो पीस किए, ठीक है, और उसके बाद जिससे जरा आपने खोल लेना है, दो पीस किए और जरा आपने इस तरह हैमर कर लेना है। पिज्जा पराठे के साथ कोकोनट पुडिंग भी आज बनाने जा रहे हैं, इसी तरह ये चिकन को भी आप इस तरह हैमर कर लेना, जितना हो सके पतला कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह इसके साथ ही पिज्जा का जो टिक्के वाला जो मसाला बनता है उसकी रेसिपी सेम होगी, चाहे आप पिज्जा पराठे बना रहे हो, नॉर्मल पिज्जा, ताफ्तान का, दुनिया का कोई भी पिज्जा, टिक्का पिज्जा है तो टिक्का फ्लेवर का मसाला बना रहे हैं। ठीक है, एक कप दही शामिल कर रहे हैं, 1 कप दही के साथ ही, इसमें हम मिला लेते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, टिक्के का मसाला है, लाल मिर्च ज्यादा जाएगी, 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ अदरक लहसुन ये भी 1 चम्मच,
पिसा हुआ गरम मसाला एक चाय का चम्मच, सफेद मिर्च 2 से 3 चुटकी, वो अज्जा जहां से जायके का आगाज हुआ, नमक हसब जायका शामिल किया, और साथ ही इसे आपने मैरिनेट कर लेना अच्छी तरह से। लेकिन जब मैरिनेट कर रहे हो तो इसी के अंदर आपने 2 चम्मच ऑयल भी शामिल करना है और इसे मैरिनेट कीजिए अच्छी तरह से। साथ ही फ्राइंग पैन रख लेते हैं हम चूल्हे पे, इसे अच्छी तरह से गर्म कीजिए। ठीक है जी, और अब ये जो मैरिनेशन आपने देखिए बहुत मजे की, इसमें आप मटन की चॉप्स, मटन की चांपे बना सकते हैं, बोटी टिक्का सभी चीजें बना सकते हैं उस मैरिनेशन में, तो ये बहुत अहम चीज है। और इंग्लैंड में भी बहुत से लोग बना रहे होते हैं ये चीज, अमेरिका में, दुनिया भर में। और टिक्का कहाँ की रेसिपी है ये भी अहम सवाल है, ये भी आपको बताते हैं। मैरिनेट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चिकन हमने मिलाया है ये आपने अच्छी तरह से इसके अंदर आपने ऐड किया, ठीक है, मिक्स कीजिए अच्छी तरह से, फिर आपने इसे टर्न ओवर करना है। बाकी चिकन भी इस तरह आपने इसके अंदर मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद कोशिश कीजिए एटलीस्ट 1 आवर के लिए जरूर रखा जाए, बस पैन जैसे ही गर्म होता है उसके बाद इसे करना है कुक। पिज्जा पराठे बना रहे हैं और सवाल पूछा वो कौन सा पीर है जिसके मुरीद नहीं होते, तो आप जवाब दे रहे हैं। इस पैन के अंदर शामिल करते हैं ऑयल सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। लेकिन जरा इंतजार करना ताकि अच्छी तरह से हो जाए, बल्कि जब तक दोस्तों ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम ये वेजिटेबल इसके लिए हम काट लेते हैं। ओवन हमारा रेडी है, ओवन की भी तैयारी, ओवन भी रेडी है, और जब तक इसका प्रोसेस जारी है इसकी कुछ सब्जियां हम काट लेते हैं, ठीक है जी। वेजिटेबल में ये टमाटर 2 पीस किए और उसके बाद इस तरह से आपने काट लेना है, ठीक है। और एक और शिमला मिर्च कैप्सिकम, इसके भी आपने सीड से अलहदा किए, बीज से अलहदा कर लेना है और उसके बाद इस तरह आपने काट लेना है, ठीक है जी। तो शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह काट लेंगे। आप चाहें तो इसमें मशरूम या जैतून भी शामिल कर सकते हैं इस पिज्ज़ा में। पराठे हमारे लिए तैयार हैं, तो प्रोसेस जारी है। और आप बता रहे हैं वो कौन सा पीर है जिसके मुरीद नहीं होते, ठीक है, जिनके मुरीद नहीं। अच्छा ठीक है, शिमला मिर्च, टमाटर, अनियन भी मौजूद है, तो प्याज भी हम काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह रखा, इस तरह इसे भी आपने ठीक है, बाकी हाफ अनियन इसे भी काट लेते हैं, ठीक है जी। दोस्तों ब्रेक के जाने भी जाना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो ये इसका जबरदस्त मसाला बनाना है। प्याज शिमला मिर्च हम काट रहे हैं, धनिया भी काट लेते हैं, कुछ मिर्चें ग्रीन कोरिएंडर से भी चॉप करें जरा सा। इसके साथ ही कुछ ग्रीन चिलीज मिर्चें, हरी मिर्चें इसे भी आपने जरा चॉप कर लेना है, इस तरह से आपने इसे काट लेना है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 1, 2 और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। सर ये जो दिन पीर का होता है इसका कोई मुरीद नहीं होता। अच्छा ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? यार मुझे वो जो प्लेन प्लेन बिरयानी जो होती है ना आपकी, जो सादे चावल में पकती है यार, शाहिद साहब चाइनीज बिरयानी कहाँ होती है? बिरयानी तो हमारी नहीं, 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 एक सादी बिरयानी होती है जो यखनी में पकती है, खाली सादा गोश्त पहले बॉयल होता है, बाद में सारे मसाले लग के फिर तय लगती है। ठीक है चलें जरूर बनाएंगे। आप खुद कुकिंग करते हैं शाहिद साहब? जी हाँ जी। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों शाहिद साहब मौजूद रहे और जवाब भी दे रहे हैं, वो कौन से पीर है जिसके मुरीद नहीं होते। प्याज शिमला मिर्च टमाटर कुछ मिर्चें काट रहे हैं, तिक्के के मसाले को रखना है, पैन गर्म कर लेते हैं और मेरे ख्याल से ब्रेक की जानिब चलना है। लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो ना सिर्फ ये पिज्जा हम बनाएंगे ओवन में करना है, साथ ही क्रीम कोकोनट पुडिंग, तो एक नारियल की जबरदस्त पुडिंग कहें या हलवा कहें हमने करना है तैयार भी। तो एक वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21।
जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। और सवाल इतना से पूछा है, वो कौन सा पीर है जिसके मुरीद नहीं होते, जिनके मुरीद नहीं होते और पिज्जा पराठे बना रहे हैं, और ना सिर्फ पिज्जा पराठे बल्कि जबरदस्त डिजर्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं, क्रीम कोकोनट पुडिंग की। तो पिज्जा पराठे के लिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और सिर्फ एक चम्मच शामिल किया था, सिर्फ एक चाय का चम्मच। एक चम्मच मजीद ऐड करते हैं। और इंटरनेट पे जो लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। पैन गर्म हो चुका है और ये देखिए जबरदस्त मसाला लग चुका है चिकन के ऊपर, ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक और दूसरा पीस भी, तो पहले से जरा पैन के अंदर ऐड किया और कुछ देर के लिए से जरा कलर देना है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा देर तो नहीं, खैर कुछ देर के लिए से जरा आपने कवर देना है। कुछ ही देर में एक जानिब से कलर आएगा, फिर उसके बाद इसे टर्न ओवर करना है। खुशबू बहुत ही आला, टिक्के का मसाला, पराठे तैयार हैं, तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। जैसे कलर आया आपने टर्न ओवर किया, ठीक है जी। दो बहुत अहम चीजें होती हैं, एक तो आपने कलर लाना होता है, और जब आप कलर लाने की बात करते हैं तो कवर नहीं करना, तेज आंच पे कलर आएगा, फिर उसके बाद गलाने का प्रोसेस भी आपको बताते हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि एक तरफ ले आते हैं और दूसरी जानिब एक चम्मच मजीद ऑयल शामिल करते हैं, ठीक है। देखिए कितना कम ऑयल शामिल किया। उसके बाद ये जो मैरिनेटेड ये मसाला है टिक्के का, देखिए जबरदस्त लग चुका है, ये फिर से हमने ऑयल के ऊपर शामिल किया। यहाँ कुछ ही देर में इसका भी कलर आएगा, प्रोसेस जारी है, पिज्जा पराठे बना रहे हैं और डेफिनेटली आपकी कॉलिंग का सिलसिला भी जारी है। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं कॉल पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक। कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं कौशल बात कर रही हूँ, कौशल डेविड है मेरा नाम। जी कौशल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत मजे में, खुश। मेरी तबीयत खराब है, मतलब 2-4 दिन से हो गए। अच्छा चलिए आपको बताते हैं कौशल जी, और बताते हैं। और सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी आप सबको बहुत पसंद करते हैं, मोहब्बत है आपकी। सर आपके लिए दुआएं भी करते हैं, मेरा घर वाला भी करता है आपके लिए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया कौशल जी। क्रिश्चियन है जी। जी शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहें, शादाबाद रहें। दुआ करते हैं आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। आमीन आमीन, बस ये दुआएं आपकी हैं, बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों जैसे कलर आया आपने टर्न ओवर करना है चिकन को भी, ठीक है जी, प्रोसेस जारी है। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होगी ये अवन के लिए ट्रे भी, ठीक है जी। और पिज्जा का बहुत आसान मेथड शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अमूमन जो पिज्जा बनता है उसमें सॉस भी रिक्वायर्ड होती है, चीज भी, काफी चीजें, लेकिन ये क्विकली कम टाइम में और हर घर में आप बना सकते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट होटल का बिजनेस है, आप इससे कारोबार भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह यकीनन बरकत होगी। पैन को ड्राई किया और इसमें हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच आपने, और पैन के सरफेस पे जरा इसे आपने सेट कर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने इतना ऑयल, ये पिज्जा आपका पैंदे से लगे ना, पिज्जा आपका पैंदे से लगे ना, ठीक है जी, इस तरह से कर लेना। और उसके बाद ये चिकन जो तैयार हो रहा है टर्न ओवर किया, उसे भी कुक कर लेना। ठीक है, इसे गला लेना आपने, वेजिटेबल हमने काट लिए, और उसके बाद इसकी सॉस किस तरह बनेगी वो भी आपको बताते हैं, बल्कि दो टमाटर मजीद काट लेते हैं। अमूमन पिज्जा में इसकी जो सॉस बनती है, जिसे कनकुसी कहा जाता है, टमाटर सॉस, वो हम तैयार नहीं कर रहे, सब कुछ इसी के अंदर ही होगा। तो कैसे बनेगा आपको बताते हैं। टमाटर दो इस तरह आपने क्विकली काट लेना, ठीक है, टमाटर काट चुके हैं, और बस ये चिकन हमारी
एक जो गल चुकी है इसे निकाल लेते हैं। एक चिकन ये तैयार हो चुकी है, इसे हमने निकाल लिया इस पैन के अंदर, स्प्लिटर में देख सकते हैं आप। और बाकी चिकन को भी आपने इसी के अंदर जरा गला लेना। और हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कॉल पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप बताइए कैसी मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी आप? मुझे ये पूछना था कि जैसे आप पिज्जा पराठा बना रहे हैं, अगर ओवन ना हो तो इसके बगैर बन सकते हैं पतीले में इस तरह? देखिए पतीली में आप बना सकते हैं सदव साहब आप, लेकिन जो ओवन से होता है कि जो ऊपर से जो हीट आती है ना, चीज मेल्ट होती है, कलर आता है, वो चीज नहीं आएगी बस। अच्छा ठीक है। और मुझे दूसरा आपसे क्वेश्चन करनी थी खीर की। खीर? अच्छा अच्छा जी जी। तो खीर कल आप कह रहे थे ना आप बनाना शुरू करेंगे डिजर्ट वगैरह, तो उसमें आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को भी शामिल करेगा? जी जी डेफिनेटली, जरूर जरूर खीर बनाएंगे आपके लिए। आपका शो हमेशा अच्छा, की तरह आज भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, हम कल बल्कि बना रहे हैं खीर एक मजे की, देखिएगा। चले चले ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा हमने सवाल पूछा वो कौन सा पीर है जिसके मुरीद नहीं होते, तो जवाब आप देंगी? दोबारा बताइएगा। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सदब। अच्छा दोस्तों ये चिकन देखिए जबरदस्त गल चुका है, ठीक है, ये आपको जरा दिखाते हैं कि ये क्विकली मजे का बिल्कुल ये टेंडर ये गल चुका है, अंदर तक सॉफ्ट और मजे का, ये आपने निकाल लिया ये दोनों चिकन। साथ ही इसकी हमने एक सॉस बनानी है, सॉस किस तरह बनेगी जरा डिफरेंट बना रहे हैं आज, ठीक है। इसी पैन के अंदर जिसमें हमने चिकन कुक किया है, एक चम्मच ऑयल, एक एक चम्मच शामिल कर रहे हैं, एक चम्मच ऑयल शामिल किया। ऑयल के साथ ही ये टमाटर जो हमने काटे टमाटर शामिल किए, ठीक है। और ये आपको वाजे कर दें कि ये जितने आपने पिज्जा खाए हैं आज तक उन सबसे अलग रेसिपी है, ये सॉस भी अलग है इसकी। कुछ ही देर में टमाटर का कलर आने लगेगा, ठीक है, मेल्ट होंगे टमाटर। जैसे टमाटर मेल्ट होने लगे उसके बाद जो ये जो टिक्के का मसाला बचा था ये आपने इसी के अंदर शामिल किया। इसमें मसाले शामिल नहीं करने क्योंकि टिक्के का मसाला ऑलरेडी है। और फिर से इसे जरा सा कुक करना है, बहुत ज्यादा नहीं जरा सा, चूल्हा करते हैं नॉर्मल, ठीक है जी। अब जो हमने ये जो चिकन कुक किया है आपके सामने इसके पीसेस कर लेते हैं और ये सब्जियों को कर लेते हैं रिमूव। तो स्प्लेटर में हम सब्जियां निकाल लेते हैं जो काट के रखी है, ठीक है जी। वेजिटेबल हम स्प्लेटर में निकाल लेते हैं और ये जो चिकन हमने रखा है ये देखिए बहुत मजे का जूसी, देखिए नरम, हड्डी से अलग तो ऑलरेडी है बोनलेस से, लेकिन काफी मजे का है। इस चिकन को आपने इस तरह काट लेना है, ये चिकन उठाया यहां रखा और इस तरह से काट लेना है, इसे आपने पीसेस कर लेने। आपको याद रहे कि पकाने के बाद इसके पीसेस कर रहे हैं, पहले हमने पीसेस नहीं किए थे। बाकी चिकन उठाया और जिसका बाइट लेंगे ये देखिए बहुत जूसी, चटपटा और मजे का माशाल्लाह। सॉल्ट जरा सा कम है, नमक, तो नमक हम इस सॉस में जरा सेट करते हैं हमारी जी। दोस्तों वक्त कम है तो क्विकली इंशाल्लाह बनाते हैं। चिकन को इस तरह आपने काट लेना है, ये रखा और इस तरह आपने काट लेना है। याद है चिकन ही गल चुका है बिल्कुल कुक्ड है, ठीक है, इस तरह से आपने इसे काट लेना है, टर्न ओवर किया और इस तरह काट लेना। अब जो हमने ये पिज्जा रखे हैं इस ट्रे के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल ब्राउन नहीं करने, नॉर्मल पिज्जा नहीं पकाने, सॉरी पराठे जो हमने तैयार करके रखे हैं नॉर्मल ब्राउन नहीं करने, से बिल्कुल हल्का ब्राउन किया, लाइट ब्राउन, ठीक है जी। इसके ऊपर बहुत कम ये सॉस टिक्के वाला मसाला लगाना है, अमूमन कोई भी इस तरह नहीं बनाता लेकिन आज हम आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं, ठीक है। करना इस तरह से
कि आपने इस पराठे के ऊपर पहले चिकन बिछा लेना इस तरह से, पराठे के ऊपर इस तरह आपने चिकन बिछा लिया, सभी पराठे के ऊपर आपने, पराठे के ऊपर आपने ये चिकन बिछाई, चाहे तो जरा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये हमने ये जो सॉस बनाई है, ये सॉस भी इस तरह आपने ऊपर सेट करनी है, ठीक है जी। और कोई कह रहे हैं किस तरह की रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट पिज्जा है, इस तरह कोई भी नहीं बनाता, ये बिल्कुल हमने एक नई रेसिपी इनोवेट की आपके लिए। दुनिया में बहुत सी चीजें बहुत से लोगों ने बनाई, तो आप खुद भी अपनी कोई क्रिएटिविटी चीज बना सकते हैं। ये सॉस आपने इसके ऊपर ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये सॉस आपने इस तरह जबरदस्त पिज्जा के ऊपर ही ऐड की, ठीक है, यानी कि उसी सॉस में ये टिक्का भी और ये पिज्जा भी, पराठा भी। इसके साथ ही अब क्या करना है, वेजिटेबल जो हमने काट के रखी हैं, कुछ प्याज, इस तरह से आपने प्याज रखी सभी पराठे के ऊपर, चिकन के ऊपर। साथ ही इसके ये शिमला मिर्च जो काट के रखी है, शिमला मिर्च भी इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से। और बात सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज के तक नहीं, बल्कि जूलियन टमाटर मौजूद हैं, ये भी ऑन द टॉप ऑफ चिकन आपने ऐड करना है। साथ ही कुछ ग्रीन चिलीज अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना आप स्पाइसी मिर्चें पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। कोशिश कीजिए हर बाइट में हर चीज का फ्लेवर एंजॉय कर सके। और इसके साथ ही टॉप पर दो तरह की चीजें, एक तो ये आ चुकी है ये चैडर चीज, कद्दूकस की भी इस तरह आपने पराठे के ऊपर ऐड की, सबके ऊपर ही। और इसके साथ ही मोजरेला चीज भी, ठीक है जी, इक्वल क्वांटिटी बराबर मिकदार में चेडर और मोजरेला चीज ऑन द टॉप ऑफ पिज्जा, पिज्जा पराठा। और जब आप बाइट लेंगे इसका बिल्कुल नया फ्लेवर आप एंजॉय करेंगे। टिक्के का चिकन है, टिक्के वाला मसाला और वेजिटेबल भी, मिर्चे भी और जबरदस्त खस्ता पराठा भी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हो चुका है, चलते हैं ओवन की जानिब और एक बात देखें आपको वाजे करते हैं। इससे अगर पिज्जा पराठे की बात की जाए, पराठा ऑलमोस्ट तैयार है, चिकन गल चुका है, अब करना क्या है कि सिर्फ ऊपर से कुक करना है। तो सेलेमेंडर होता है, हैंड सेलेमेंडर हो या ओवन में, आपने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ऑन रखना है ताकि चीज मेल्ट हो और सब चीजें बाइंड होने के बाद जबरदस्त आपका पिज्जा हो सके तैयार। तो चलते हैं ओवन की जानिब। ओवन ओपन किया और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सिर्फ ऊपर वाला आपने ऑन करना है, ठीक है जी। ऊपर वाला ऑन किया और टॉप पर रखना है, नीचे नहीं रखना, जितना हो सके ऊपर रखना आपने। और अगले 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे इसका टेक्सचर कहां तक पहुंचा, ठीक है जी। पिज्जा और ओवन में बेक और एक मजे का डेजर्ट नारियल का हलवा करें तैयार, उसके साथ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। और दोस्तों ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं। सवाल पूछा वो कौन सा पीर है जिनके मुरीद नहीं होते, और पिज्जा पराठा हमारा ओवन में मौजूद है, आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर कलर कहां तक पहुंचा। चलते हैं ओवन की जानिब और लेट्स सी कहां तक पहुंचा, ठीक है जी। ओवन ओपन करते हैं, 1 2 एंड
3। दोस्तों बात इतनी सी है कि ये जबरदस्त पिज्जा पराठा हो चुका है तैयार। कलर देखिए इसका, कलर, जायका, टेक्सचर सब कुछ आला। ये देख सकते हैं आप, इससे ज्यादा कुक नहीं करना आपने। ओवन बंद कर चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं और बहुत एहतियात के साथ ठीक ठाक ही गर्म है। ठीक है जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप पिज्जा पराठा, लुक एट दिस अमेजिंग, जायकेदार, टेक्सचर भी इसका बहुत आला और मेरे ख्याल से सीमित बेहतर लग रहा है, क्या ख्याल है? ठीक है जी दोस्तों, सीमित की प्रेजेंटेशन होगी। अब चलते हैं मजे की एक डेजर्ट बना रहे हैं, मीठी रेसिपी, क्रीम कोकोनट पुडिंग। साफ लफ्जों में नारियल का हलवा आसानी से बनने वाला और डिफरेंट रेसिपी है। एक सॉस पैन है, देख सकते हैं आप, इस सॉस पैन के अंदर पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ कोकोनट शामिल करते हैं एक कप, और ये लगभग दो कप हमने शामिल किए। चलिए सभी शामिल, ठीक है, दो कप आपने कोकोनट शामिल किया, जरा इसकी भुनाई कर लेनी है आपने। और ये हमारा आपसे वादा है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी, जब तक इसका कलर आ रहा है, ब्राउन होती जा रही है, हम बादाम पिस्ते चॉप कर लेते हैं, आलमंड पिस्ताशू, इस तरह से आपने इसे चॉप कर लेना है। ठीक है जी, और ये देख रहे हैं कोकोनट बहुत तेजी से ये ब्राउन होने के बाद जल भी सकता है, अगर ये जल गया तो आपकी डिश खराब हो जाएगी, आपकी मेहनत जाया जाएगी, तो इसलिए आपने कॉन्टिन्यूसली आपने तवज्जो देनी है, हिलाते रहना। देखिए नारियल का कलर आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जरा और कलर लाते हैं। ठीक है, जब नारियल का कलर आने लगे तो उसके बाद घी शामिल करते हैं, एक चम्मच, चूल्हा कम किया, एक 1 टेबल स्पून घी शामिल किया, करते हैं इसे जरा सा मिक्स, और पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर जो होती है, पिसी हुई चीनी, एक चम्मच, 2 चम्मच, और ये हाफ, ठीक है, 2 से 2.5 चम्मच आपने पिसी हुई चीनी शामिल की, और इस तरह आपने नारियल के अंदर मिक्स करना है फिर से। इसके साथ ही आपने मिलानी है फ्रेश क्रीम, ये 1/2 कप लगभग आपने शामिल किया। क्रीम बहुत अच्छी बाइंडिंग या टेक्सचर इसका अच्छा लाएगी, और फिर से इसे आपने मिक्स करना है इस तरह से। साथ ही इसमें हम ऐड करते हैं खोया, बहुत रिच रेसिपी है, 1 कप खोया, कहते हैं ना क्या खोया क्या पाया, बट अमेजिंग फ्लेवर लाएगा ये, और फिर से सीजर आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ताकि देखिए बहुत जबरदस्त ये नारियल का हलवा, लुक एट दिस। ठीक है जी, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, बाकी जो कोकोनट है ये भी इसी के अंदर हम शामिल कर रहे हैं, और फिर से जरा मिक्स कर लेना, इतना मिक्स करना है कि ये बाइंडिंग हो जाए। ठीक है जी, जरा सी क्लीनिंग भी, और देखने आहिस्ता आहिस्ता इसका टेक्सचर आता जा रहा है। तो कम टाइम में बनने वाला जबरदस्त नारियल का हलवा, बर्फी, कलाकंद, इन सबसे जायका इसका मिलता है, लेकिन इसका जायका आपको बिल्कुल अलग सफर में ले जाएगा। जरा सा ट्राई करते हैं कि इसकी मिठास कहां तक पहुंची है, इसका जायका। दोस्तों अगर आपने इस महीने हमने जितनी रेसिपीज ट्राई की उनमें से कोई भी रेसिपी ना बनाई हो, भले ना बनाई हो, लेकिन ये चीज जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपने मिस कर दिया
तो एक बहुत अहम जायका या बहुत अहम चीज़ आप मिस कर देंगे। ये आपने ज़रूर बनाना, ये मीठा, इसका जायका बहुत रिच है। और मेरी गुजारिश है सभी माओं से, पेरेंट्स से, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं नारियल के फ़ायदे, क्रीम, प्रोटीन। नारियल आपके हाजमे को बूस्ट करती है, नारियल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, नज़र के लिए भी अच्छा होता है नारियल, क्रीम के फ़ायदे, प्रोटीन है, खोया दूध से तैयार होता है, बादाम पिस्ते, यानी कि बच्चों के लिए बहुत ताकतवर है, और जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं मेरे ख्याल से, 2 से 3 साल के बच्चे भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये, ताकतवर है। और बुज़ुर्गों के लिए भी जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो हैवी खाना इतना नहीं खा सकते, उनको ये बनाकर दें तो नरम गिज़ा भी है और उनको ताकत भी बहुत मिलेगी। ठीक है जी, तो इसे निकाल लेते हैं, वक्त इतना ज़्यादा नहीं हमारे पास, और ज़बरदस्त ये पिज्ज़ा पराठे भी हो चुके हैं तैयार। तो पहले हम फाइनल कर लेते हैं हमारी इस रेसिपी को। नारियल का हलवा, ट्रांसपेरेंट प्लेटर, जरा से हम साफ कर लेते हैं, और इसमें आपने ये लुक एट दिस टेक्सचर देखिए जरा, जबरदस्त नारियल का हलवा। निकाल लेते हैं, और जरा इसे आपने सेट कर लेना है। इसी तरह आपने ये निशान आने चाहिए नाइफ के, जैसे कि आप दिख रहे होंगे। उसके बाद टॉप पर जरा सा मजीद आ जाएगा ये खोया, इसे खोने नहीं देना, और ये बादाम पिस्ते भी गार्निश के लिए। रिच, हेल्दी, और बहुत सी औरतें प्रेगनेंसी में भी इस तरह की चीजें लेती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल और ताकतवर चीजें। ठीक है जी, अब मूव करते हैं हमारी ये पिज्जा पराठा, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत मजे का पीस, कीजिए इसे एंजॉय करें। तो इसे भी निकाल लेते हैं, और कितना वक्त है हमारे पास। ठीक है जी, बाकी चीजों को रिमूव करते हैं और इसकी जरा प्रेजेंटेशन की करते हैं तैयारी। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार, पिज्जा पराठा, तो साथ ही ये नारियल का कोकोनट पुडिंग भी। ठीक है, तो जरा सी क्लीनिंग जो जरूरी भी है, एंड ये रेसिपी भी हमारी हो चुकी है तैयार। इससे मेरे ख्याल से एज इट इज अच्छा लग रहा है, क्या फायदा। ठीक है जी, पिज्जा पराठा किस तरह बनाया हमने दोस्तों, आपको बताते हैं कि पराठे हमारे पास तैयार थे, जो घर में बनाते वही बनाइए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। लास्ट कॉलर ऑफ आवर शो ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कौन? हसन। हाँ जी, हसन साहब क्या कहेंगे आप, कैसे हैं? आज क्या बनाया हमने? आज पिज्जा पराठा और कोकोनट पुडिंग। कोई रेसिपी ट्राई की आपने? कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने? ठीक है ठीक है, क्या बात है। हेलो हेलो जी जी, और आपको मैं आप काफ़ी अच्छे आपके जो है बनाने का अंदाज बता सकते हैं, आपकी रेसिपी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया, कोई फरमाइश है आपकी तो बोलिए। मुझे पिज्ज़ा बनाना चाहिए। पिज्ज़ा चलें, ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। अच्छा हसन, हमने सवाल पूछा वो कौन सा पीर है जिनके मुरीद नहीं होते। अच्छा बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों, जरा से हाइट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये गिरेगा नहीं। ठीक है जी, और पिज्जा पराठे के बहुत से लोग पूछ रहे हैं किस तरह बना, तो पराठे हमारे पास तैयार थे। ठीक है जी,
उसके बाद ज़रा सा उसमें हल्का सा बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग किया था। उसके बाद ये तिक्के का मसाला हमने बनाया जिसमें लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, सफ़ेद मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू की खटास भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल वो चिकन के अंदर मैरिनेट किया, चिकन हमने कुक किया ज़बरदस्त अंदाज में, तिक्के बनाए उसके बाद पीसीस किए और उसी पैन के अंदर इसकी सॉस हमने बनाई जिसमें तिक्के का मसाला और टमाटर शामिल किए थे। पीसेस करने के बाद वो चिकन हमने पिज्ज़ा के ऊपर रखे, सॉस आई वेजिटेबल और वेजिटेबल रखने के बाद टॉप पर चीज़, चैडर मोज़रेला अवन में बेक किया तो 2 से 3 मिनट में मज़े का हो चुका है तैयार। और जब बाइट लेंगे तो ना सिर्फ टिक्के का मज़ा, ना सिर्फ पिज्ज़ा का मज़ा, साथ ही पराठा और चीज़ का भी भरपूर जायका रच चुका है। ज़रा इसे टर्न ओवर इस तरह करते हैं, ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और खुश रहें, शादोआबाद रहें। फेसबुक की दुनिया में ज़रूर ज्वाइन करें, शेफ21 के नाम से पेज है। मुझे तलाश करना चाहें तो शेफ इकबाल शाह के नाम से फेसबुक पे भी एंड ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। बेस्ट रेसिपीज के लिए देखते रहिए शेफ21। खुश रहें, शादोआबाद रहें और हमने हमेशा कहा कि मायूस होने से आपके आसाब जख्मी हो जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।